कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। ये मैंने कलिनोमीटर का वर्किंग मॉडल बनाए हैं। कलिनोमीटर से हम उन्नयन और अवनम कोण माप सकते हैं। कलिनोमीटर का आविष्कार विलियम एब्डे ने 1880 में किया था। कलिनोमीटर और त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई माप सकते हैं। कलिनोमीटर का प्रयोग हम कोणों को मापने के लिए करते हैं। जैसे जैसे हम इसे घुमाएंगे, जहाँ थर्ड रुकेगा उतने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90 उन्नयन कोण में होता है हमारा अक्षितिज। और अगर हम नीचे खड़े हैं, हमारी दृष्टि रेखा अक्षितिज के जो बीच कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। अगर हम ऊपर खड़े हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और अक्षितिज के जो बीच कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। हमने इसमें इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भूमि से लेकर जो ये दिशा सूचक है इसकी कितनी इसकी हाइट है। इसकी हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम कलिनोमीटर की सहायता से देखेंगे कि कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारे 45 डिग्री का कोण बनाता है और इसका ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। हम इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बिल्डिंग की और कैलोमीटर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इनके बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है। इनकी जो बीच की दूरी ये 48 सेंटीमीटर है और कैलोमीटर की ऊंचाई ये जो हमारी 23 सेंटीमीटर है, 23.1 सेंटीमीटर है। और ये इस प्रकार से एक आयत बनती है और ये हम इसे निकालेंगे। ये आयत बनती है, ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है और इसका एक कर्ण है जो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। हमने इसकी ये एक आयत है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमारी बी सी 48 सेंटीमीटर होगी और सी ई हमारी 23.5 सेंटीमीटर होगी। इसकी ये चीज निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए हम ए बी बटे बी सी, ये ए बी है जो ये हमारे लंब है और बी सी है ये आधार है। लंब बटे आधार बराबर होता है 10 के और जो हमारे कोण आया था वो हमारा 45 डिग्री है और जो हमारी बीच है वो 48 सेंटीमीटर है और 10.45 की वैल्यू होती है ए एंड ए बी बराबर है 48 सेंटीमीटर। हमें हमारी इतनी ऊंचाई लंबाई आई है परंतु हमें इसकी पूरी की ज्ञात करने के लिए ए डी इक्वल है ए बी प्लस बी डी। ए डी हमने निकालनी है। हम जो हमारी ए बी है वो 48 है और जो हमारी ये बी डी है वो 23.5 है तो हमारी ए डी हो जाएगी 71.5। हम इसे देख भी सकते हैं कि हमारी लंबाई कितनी आई है। तो हमारी लंबाई 71.5 आई है। कैलोमीटर का प्रयोग हम किसी भी लंबी लंबी पहाड़ियों को, किसी लंबी लंबी बिल्डिंगों को, पेड़ पौधों को मापने के लिए करते हैं। अगर हम कहाँ खड़े हम अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई वस्तु हमसे कहाँ अगर कोई वस्तु कहीं दूर रखी है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वस्तु हमसे कितनी दूर है। थैंक्स।